वो एक्चुअली, चलिए हम लोग पढ़ेंगे 7B। 7B पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें जितने सूत्र लग रहे हैं वो बता रहा हूं। विभाजन सूत्र, पहला होगा अंता विभाजन, अंता। देखो जैसे एक रेखा हो ये और भी जिसके दो अंतिम बिंदु हो, x1 व कामा y1 सूत्र हो, पॉइंट रखे हो x2 कामा y2, और एक पॉइंट P हो जिसका मान h कामा k हो, और ये इसको m अनुपात n में काटे। अब देखो आपके बुक में हो सकता है m1 m2 दे दे, हम m अनुपात n में पढ़ा रहे हैं, आप उसी तरह से इसको भी समझिए। तो जो h का मान होगा वो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n होगा, ठीक है। आगे जो k का मान होगा वो m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। देखो आप लोग हमेशा फार्मूला याद करते हो, अब हम फार्मूला याद नहीं, हम देखो कैसे याद करना रहता है। जब आगे वाला पॉइंट निकालो तो m वाले के साथ में इधर वाला ले लो और इधर वाले के साथ में इधर वाला, लेकिन आगे वाला निकालने के लिए केवल आगे वाले को लेना है बस। और जब हम पीछे वाले की बात करेंगे तो m को पीछे वाला ले लीजिए और n के साथ पीछे वाला, और बटा उन दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिए। एक दूसरा जो आएगा वो आएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। ये दो पॉइंट ये और बी हूं, x1 कामा y1 x2 कामा y2, और इसका मध्य बिंदु P हो जिसका मान h कामा k हो। मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी ये हो उतने दूरी ये हो। तो h कैसे निकलेगा भैया, आगे वाला निकालना क्यों, दोनों को जोड़कर दिया दो, और पीछे वाला भी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। एक तीसरा और आखिरी इस टाइप का y विभाजन, जिसे एक पॉइंट ए हो एक पॉइंट बी हो जिसका मान x1 कामा y1 और x2 कामा y2 हो, और एक पॉइंट पी हो जिसका मान h कामा k हो, और यहां से यहां तक की दूरी m हो और ये दूरी कितनी हो n हो, ठीक है। तब h का मान निकालना, ध्यान रखना यहां से यहां तक की दूरी हो, यहां तक की दूरी गलत हो जाएगा। तो h का मान निकालना हो तो h बराबर m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n, खाली घटा देना है बस। k का मान निकालना है m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। ये y विभाजन का सूत्र रहा, ये पूरा एक्सरसाइज आपका 7B लगभग इसी सूत्र से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये लेक्चर नंबर 4 रहा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको दीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए फॉर्मूला। चलिए बच्चों देखते हैं, वैसे विभाजन का सूत्र हम लिखा चुके हैं अभी आप लोग को इसी लेक्चर नंबर 4 में ही, और विभाजन का सूत्र एक अंता विभाजन, वाह विभाजन और मध्य बिंदु, तीन फॉर्मूले लिखाए गए हैं। जो आपका 7B स्टार्ट होगा, 7B पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं, जो कि लेक्चर नंबर 4 का है। पहला सवाल देखेंगे, पहला सवाल कुछ इस तरह से है, कह रखा है बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी, पहला है -3, 4 दूसरा है 4, -3, यही तो है, -3, 4 और 3, -4 है, सॉरी ये 3, -4 है।
कह रहा है इन दोनों को मिला देना मध्य मिड पॉइंट निकालना है पी, हम जिसको क्या मान लेंगे एच कामा के। मध्य बिंदु का मतलब दोनों खंड बराबर होगा और एच का मान निकालने के क्या करेंगे, ये हम इसको एक्स वन वाई वन मान लें और एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू का आधा कर दो, एच बराबर माइनस तीन प्लस तीन का आधा, माइनस तीन और प्लस तीन जीरो हो जाएगा और जीरो का आधा जीरो हो तो होगा, के निकालेंगे y1 प्लस y2 का आधा कर दो, y1 का मान चार और इसका मान माइनस चार बटा दो, चार में से चार भाग जाएगा जीरो हुए तो बचेगा और जीरो का आधा तो जीरो ही होगा, मतलब ये निकला कि ये b को ये व b को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट क्या है, जीरो कामा जीरो, जो कि मूल बिंदु है, क्या है ओरिजिन, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा ओरिजिन होगा, ठीक है मूल बिंदु। सवाल नंबर दो देखिए, चार बिंदु दे रखा है और लिखा है यदि बिंदु इतना इतना इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, सवाल नंबर दो। अच्छा सवाल है, चार शीर्ष दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज के जिसका नाम ए बी सी और डी है, ये का मान एक कामा दो, बी का मान चार कामा वाई और सी का मान एक कामा छ, डी का मान तीन कामा पांच, करे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसका दो तरीका लगाने का, इस समांतर चतुर्भुज है भाई बात ना करो, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी और बराबर होंगी, मतलब इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी, चाहो तो दूरी बराबर कर लो और चाहो कि दो रेखाएं समांतर है तो इनकी प्रवणता भी तो बराबर होगी, समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है तो AB की प्रवणता बराबर DC की प्रवणता और इधर AD की जो प्रवणता होगी वही तो BC की प्रवणता कहलाएगी। देखिए चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा AB जो होगा वो समांतर होगा किसके, DC के, और ये दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता क्या होगी बराबर होगी, तो इधर मैं लगा रहा हूं प्रवणता ऑफ AB बराबर प्रवणता ऑफ DC, सूत्र क्या होता है y2 टू माइनस वाई वन बराबर एक्स टू माइनस, तो y में से दो घटाओ x में से एक्स वन इंट चार में से एक जाएगा बराबर छ में से पांच घटाओ बटा x में से तीन घटाओ, यहां देखो y माइनस दो बटा तीन बराबर एक बटा x माइनस तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस तीन इंटू वाई माइनस दो बराबर तीन, इसको चाहो तो और हल कर लो चाहे रहने दो, समीकरण एक बना लो, समीकरण एक बन गया। अब देखो इन दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी बराबर होंगी तो इधर लगाएंगे प्रवणता आप AD, इसको प्रवणता आप BC, y2 टू माइनस वाई वन यानी पांच में से दो घटाओ बटा तीन में से एक भगा दो बराबर छ में से y माइनस करो बटा x में से ऊपर कितना बचेगा तीन बटा दो बराबर छ माइनस वाई बटा x माइनस चार,
कैसे गुणा कर लो, तो 3x-4 बराबर 2 इन ब्रैकेट 6-y। एकदम y का मान या x माइनस रखा है ना, x माइनस 3 का मान यहां रख दें तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या, थोड़ा अच्छे लेवल का समीकरण बनेगा। तो यहां से हम x माइनस 4 का मान निकालेंगे तो 3 नीचे पहुंच जाएगा 2/3 इन ब्रेकेट y माइनस 6-y। हमें कितना चाहिए x माइनस 3 और यहां कितना है x माइनस 4, ये तो हम यहां 3 लिख दें तो एक बचेगा, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना लो। अब समीकरण एक में हम लोग x माइनस 3 का मान उठा के इतना रख देंगे, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हो, कैसे देखो, बटा एक लो कैसी गुणा, तो 2 इन ब्रैकेट 6-y प्लस 3 एकम 3/3, अंदर 6 × 2 = 12 माइनस 2y प्लस 3/3, 12 × 3 = 15 माइनस 2y/3। यहां बनाओ इसको समीकरण 2, समीकरण 1 से लगाओ, जहां x माइनस 3 है वहां क्या रखोगे, इनको रख दो, कैंची गुणा कर लो, 3 × 3 = 9। अब y को पकड़ो, इनसे करो तो y को 15 से, तो 15y माइनस 2y² 2 से करोगे तो 30 और माइनस माइनस प्लस 4y² बराबर 9। 4y² ऐसे रहने दो, सॉरी 4 यहां है और ये y² कैसे हो गया, 2 × 2 = 4y होगा ना, ठीक। माइनस 2y² यहां 4y प्लस में यहां 15y, 15 × 4 = 19y, माइनस 30 माइनस 9 इधर लाओ हो जाएगा 39। ये दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, दिख रहा है सबको, ठीक। (19y − 39 = 0) माइनस से भाग कर दो, उनतालीस को इससे गुणा करोगे, 39 × 2 = 78, 39 × 2 कितना होगा 78। अब जोड़ने से 19 आए, गुणा करने से 78, 13 × 6 = 19। तो −6y − 13y + 39 = 0, 2y कॉमन लोगे तो y माइनस, सॉरी 3 हो जाएगा यहां, 13 कॉमन लोगे तो y − 3 = 0, y − 3 को कॉमन लोगे तो 2y − 13, तो y − 3 को 0 करोगे तो y का मान कितना जाएगा 3। आप चाहो यहां भी कर सकते हो लेकिन उसको इग्नोर कर देंगे। अब y का मान कितना आया 3, कहां रख दो समीकरण 2 में। ये कितना लिखा है x माइनस 3 बराबर यहां 15 − 2 × 3/3, 3 × 15 = 6 = 9, 9/3 यानी ये 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा ना, यानी x का मान कितना आएगा 6 और y का मान कितना आएगा 3। अब आप चाहे प्रवणता लगाओगे या दोनों के बीच का दूरी लगाओगे, काम इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत हो कहीं तो बताओ, केवल सॉल्व किया गया ढंग से, बस कठिन नहीं है, लंबा है थोड़ा बस, बाकी कठिन नहीं है, ठीक है। हाँ, कम से कम 4-5 नंबर को देना चाहिए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, नोट लीजिए। चलिए बाबू, सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 2 में, सॉरी तीसरे सवाल में 2 सवाल है और दोनों बाह विभाजित कर रहा है। तीसरे में 2 में से आप जो कहें मैं 1 लगवा देता हूं, मैं, हमारा मन कह रहा है कि हम दूसरा लगवाएं क्योंकि दूसरे में थोड़ा कुछ अच्छा ही है। 2 पॉइंट है 6, 4 और कह रहा है 1:2 में
एक तीसरा बिंदु इसको विभाजित करता है, वो बाहर से वाय विभाजित करता है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको पलट दो, पहले 6.4 लिख दो एंड माइनस 2.5 लिख दो, अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब मैटर क्या बन गया, ये से बी एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट पी है। अब ये 2 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2 है। अब ये 1 है, मतलब ये दूरी 1 है। वो भी था लेकिन ये इधर से लेना पड़ता। अब हम लोग सीधा हो गया, जैसे फार्मूला बताते हैं वैसे हो गया है। ये पॉइंट 6.4 और ये वाला माइनस 2.5 और ये इसकामा के निकालना है। सूत्र क्या था इस बराबर, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस एन के बराबर एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा एम माइनस एन। के का मान इस बार एम का मान कितना है 2 और एन का मान 1, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, चाहो तो इसको मान लो, मान ले। देखो ये यम हो गया और ये यन हो गया, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। यम एक्स टू मतलब 2 गुणे माइनस 2 माइनस 1 गुणे 6 यन एक्स वन, यही तो होगा बटा यम माइनस यन यानी 2 माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4, 6 बटा 2 में से गया 1 माइनस 10 आ गया। ऐसे के वाला निर्देशांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा यम यानी 2 गुणे वाई टू, वाई टू का मान कितना है 5 माइनस यन गुणे 4 बटा 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 4 बटा 1, 4 में से तो गया 6, यानी जो पॉइंट निकल कर आएगा एच कामा के जिसको हम लोग माने थे वो पॉइंट कितना आएगा माइनस 10.6, यही पॉइंट आएगा। ठीक है, जब कभी आपको ऐसा दिखे कि आगे वाला कम है पीछे वाला ज्यादा है, हमेशा पलट दो, सबसे आसान तरीके में रहोगे, वरना गलती करने का फुल 100% चांस बना लोगे अपने खुद। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 4 लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब आपको कहे कि वाहता विभाजित करता है तब भाई मानो, वरना आप वाहता नहीं मानोगे, तब अंतः मानोगे। जैसे ये है और बी है, ये का मान माइनस 1.7 और ये 4.3, एक पॉइंट पी है, सॉरी हाँ, ये इसको 2:3 के अनुपात में काट रहा है, ये कामा के निकालना है। सूत्र रटने से अच्छा है तरीका सीखो, क्या तरीका है देखो, आगे वाला ये निकालना है, इनको लो तो ये ले लो 2×4, अंतर के लिए प्लस लगता था ना, इनको लो तो इधर वाला ले लो 3×-1/2+3, 4×2=3, 3×3=5, 5/5 कितना आ गया बाबू 1, के बराबर निकालो 2 ले लो तो -3+3 ले लो तो 7 ले लो बटा 2+3 कितना आ जाएगा 7 × 2 गया 5 × 3 15/5 कितना आ गया बाबू 3। तो ये पॉइंट कितना निकल कर आया 1.3। ठीक है, आ गया समझ में, यहां नहीं समझ आया क्या किसी को, अरे साल करोगे यही आ जाएगा, 7 × 3 = 21 + 6 = 15 तो बचा, समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 5, 5 नंबर सवाल थोड़ा सा हटके है बस, कह रहा है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये भी 4-1 -2-3,
तरह को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित यानी समान तीन भाग में बांटने वाला, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। हमें निकालना है P और Q। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतनी दूरी, पहले P की बात कर लें, हम ये H1 कामा K1 मानेंगे और ये H2 कामा K2 मानेंगे, ठीक। जब हम P के लिए निकालेंगे तो यहां M का मान कितना होगा, एक, यहां से यहां तक एक के भाग तो है, ये इतना भाग कितना होगा, N बराबर दो। नहीं समझ में आया, तीन खंड हुआ है, यदि ये वाला पॉइंट करेंगे तो इधर एक भाग, इधर दो भाग, तो अनुपात एक भाग दो, ये तो होगा पार पॉइंट पी यानी H1 कामा K1। यम अनुपात यन का मान एक अनुपात दो लेंगे। अब हम निकालेंगे H1 बराबर यम X1 यानी एक गुणे माइनस दो प्लस यन X2 सॉरी यम X2 यन X1 यानी दो गुणे चार बटा एक प्लस दो, दो एकम दो, चार दूनी आठ बटा दो एक तीन, आठ में से दो गया छः, छः बटा तीन का मतलब दो आ जाएगा। K1 निकालेंगे, K1 के लिए क्या करेंगे, यम एक गुणे माइनस तीन प्लस दो गुणे माइनस एक बटा एक प्लस दो, माइनस तीन एकम तीन, माइनस दो माइनस पांच बटा तीन। यानी जो पहला पॉइंट आएगा P1 या P H1 कामा K1, इसका मान आ जाएगा दो कामा माइनस पांच बटा तीन। आंसर चेक करो थोड़ा, देखो आ रहा है, चेक कर लो आ रहा है, गुड। अब देखो, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे आर पॉइंट क्यू H2 कामा K2। इसके लिए जो यम अनुपात यन होगा, यहां तक के हम दो भाग चलेंगे तो ये दो हो जाएगा, और यहां तक के एक भाग बचेगा एक, तो ये दो अनुपात एक हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे H2 यम X2 प्लस यन X1 कमान चार बटाई टू प्लस एक, माइनस चार प्लस चार कट के जीरो आ जाएगा। K2 निकालेंगे, यम का मान दो XY2 यानी दो गुणे माइनस तीन प्लस एक गुणे माइनस एक माइनस छ माइनस एक बटा तीन यानी माइनस सात बटा तीन। तो जो पॉइंट क्यू आएगा वो जीरो का मान माइनस सात बटा तीन आएगा, ठीक है। आया समझ में, आंसर आ रहा है बेटा, चेक किए, ठीक है, सबको समझ आया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया, सवाल नंबर सुनिए, लेक्चर नंबर चार का आखिरी सवाल, जो कि सवाल नंबर छह होगा। 13 एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13,19 है। एक रेखाखंड है AB जिसका पहला अंत बिंदु मतलब किनारे वाला बिंदु कितना है, 13,19 है, और मध्य बिंदु P दे रखा है -9,30 है। तो कह रहा है दूसरा अंत बिंदु H,K निकालो। अच्छा, मध्य बिंदु है मतलब दोनों दूरी, अब ऐसा सूत्र तो कभी आपको पढ़ाया नहीं कि मध्य बिंदु दे रखा हो, इस बिंदु को निकालो, कि बताया गया है, नहीं बताया गया ना, ये दोनों दे रखा हो तब ये निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। मध्य बिंदु कैसे मिलता है, 9, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 9 दूनी
13 का इधर लाओ, कितना आ जाएगा? 31 आ गया। अभी 30 निकालना है ना, 30 कब मिलता था? इन दोनों को जोड़ कर दिया दो भैया, 19 प्लस के का आधा, 30 दुन्ना 19 प्लस के, तो के बराबर 60 माइनस 19, तो के बराबर कितना आ जाएगा? तो बाबू जो बी वाला पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? माइनस 31.41। ठीक है, बस तो आपका लेक्चर नंबर 4 का आखिरी सवाल 6। आगे का जो सवाल होगा हम लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे, सॉरी 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।